सर बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। ये मेरी वाइफ है सवेरा, बहुत जुल्म किया उन्होंने सर। बताइए हुआ क्या था? शाबाश सर, वो अचानक से आया घर पर, मेरे सारे जेवर निकलवाए, जितनी नकदी थी वो भी निकलवाई। सर ये एक फटी हुई शर्ट मिली है, बजाय तो ये नई शर्ट है लेकिन लगता है इसे फाड़ कर अलग किया गया। हमें ऐसा लगता है कि आपने डकैती का ड्रामा रचाकर अपने शोहर को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। एक्चुअली आप 8:30 बजे निकलते हैं और मुझे 7 बजे जाना है। तो क्या हुआ जनाब, ये आपका प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है। सुबह जितने बजे आप कहेंगी हम आपको पिक कर लेंगे। शोहर ने किया किसी और लड़की में अपनी दिलचस्पी का इजहार, तो किस तरह उसकी बीवी ने बौखलाहट में किया एक गलती का इर्तकाब, किस तरह शोहर की शर्ट पे लगा लिपस्टिक का निशान कर गया घर को बर्बाद, ब्यूटिशियन ने चली कौन सी चाल, किस तरह मियां बीवी ने दिखाया गैरों को अपने घर का रास्ता, कौन हुआ किसकी साजिश का शिकार, डकैती और ज्यादती की इस हौलनाक वारदात के पीछे छुपी थी कौन सी शर्मनाक दास्तान। खैर तो यार इतने सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हो? हाँ वो आज एक मीटिंग है ना। करते जाए ना। अरे मेरी जान, इंशाल्लाह ऑफिस जाके करूंगा, ठीक है अपना ख्याल रखना, फिर मिलता हूँ। ओके 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 ओके। तो क्या हुआ जनाब, ये आपका प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है। सुबह जितने बजे आप कहेंगी हम आपको पिक कर लेंगे। ठीक है जमशेद। कैसे यकीन दिलाऊं, सुबह के वक्त भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, सवेरा बिल्कुल नॉर्मल थी। मैम मैं कैसे नॉर्मल रह सकती थी, सुबह सुबह टेंशन से मेरा दिमाग फट रहा था। आपने तो सिर्फ सज्जल को ड्रॉप करना था, फिर प्लान कैसे बदल गया कि 4 घंटे आप एक साथ थे? सर वो सर आज मीटिंग भी कैंसिल हो गई और सैलून में भी किसी क्लाइंट को टाइम नहीं दिया, तो फिर आज मैं क्या करूं? आज जो दिल चाहे कर ले। तो फिर दिल की बात बता दूं? आज आप बता ही दें। दिल तो ये कर रहा है कि आप 9 बजे नहीं बल्कि 12 बजे ऑफिस जाएं, और जो 3 घंटे होंगे ना वो सिर्फ मेरे होंगे। सजल अगर ऐसे रोकोगी तो खुदा की कसम किस कमबख्त का दिल करेगा ऑफिस जाने को। मैम ये चेक करने के लिए कि मैं भी वो लड़की घर के बाहर हो जिसको जमशेद ने पिक करना था, तो मैं घर से बाहर गई थी बट वो वहां नहीं थी। फिर मैम मैं घर के अंदर आ गई, दरवाज़ा लॉक किया मैंने और अंदर आके सो गई, और फिर हिम्मत कीजिए बताइए मुझे, पता नहीं वो डाकू कहाँ से आया, गन पॉइंट पे मेरी इज्जत लूट ली और सारे जेवर ले गया, और जाते जाते पता नहीं क्या मेरे मुंह पे रखा कि मैं बेहोश हो गई। ओके जा सकते हैं आप, और हाँ जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा आपको। केस एक अजीबोगरीब मोड़ पर आकर रुक गया था। पुलिस को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक
जमशेद को सज्जल से बहुत मोहब्बत थी और दूसरी जानिब सज्जल भी जमशेद की मोहब्बत के दावेदार थे और दोनों को ये गुमान था कि इस बारे में सवेरा को कुछ भी नहीं पता। लेकिन सवेरा तो हर तरह से बाखबर थी। लव मैरिज करने वाली सवेरा घर को बर्बादी से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। तभी पुलिस को डकैती की इस वारदात के पीछे कहानी कुछ और ही लग रही थी। कहीं सवेरा अपने घर को बचाने की तगोदौ में कुछ ऐसा तो नहीं कर बैठी थी जिसे बताना भी उसके लिए मुश्किल था और छुपाना भी आसान नहीं था। अभी तो बहुत सारे ऐसे हकायक थे जिनसे पुलिस पर्दा हटाने की जुस्तजू में थी। पिकअप द कॉल सजल, पिकअप द कॉल। हेलो, कौन? सजल, क्या हुआ यार? मैं जमशेद, मैं नंबर नहीं सेव तुम्हारे पास मेरा। मैं कब से कॉल्स कर रहा हूँ यार, मैं इतना परेशान बैठा हूँ। तो मैं क्या करूँ यार, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वैसे जैसे मुझे करनी चाहिए। तुमसे हंसकर बात क्या कर ली मैंने? तुमने अपनी औकात दिखा दी। सजल बिहेव योरसेल्फ, क्या अहमकाना बातें कर रही हो यार? और जो कुछ तुमने पुलिस को बताया है, क्या वो अहमकाना बातें नहीं थी? क्या फजूल बातें कर रही हो सजल, यार मैं तो ऑलरेडी टेंशन में हूँ। जानती हूँ तुम्हारी टेंशन, पुलिस बता चुकी है मुझे, बुलाया था मुझको भी। तुम्हें पुलिस स्टेशन? हाँ, जैसे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अफसोस है जमशेद, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे घर डकैती करवाई है और मैंने तुम्हारे घर किसी को भेज कर तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाला है। अफसोस है जमशेद तुम्हारी सोच पर। अरे सजल, मैंने पुलिस को खुदा की कसम कुछ नहीं बताया यार, कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है। खुदा के लिए मेरी नींद खराब मत करो, यू नो आज मेरा ऑफ डे होता है। अब मुझे सोने दो एंड डोंट कॉल मी अगेन। हेलो, मैं केस की सेंसिटिविटी को समझ रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं सर। सर दो तीन लोग शक के घेरे में तो हैं, बस जरा एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं, फिर उन पर पक्का हाथ डालते हैं। जी सर। ओके सर, थैंक यू। सवेरा मेरी जान, हौसला रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिक्र किस बात की। जमशेद, अब वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? हाँ सवेरा, ये कोई पूछने वाली बात है? सिर्फ मुझसे? क्या मतलब सवेरा? कुछ नहीं। अरे कोई बात हुई है मेरी जान, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? हैं? नहीं, शादी से पहले तो आप बहुत प्यार जताते थे, अब कभी कहा नहीं तो इसलिए। अरे बाबा, काम की कितनी मसरूफियात होती हैं तुम्हें पता है ना, और ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूँ ना, क्यों मेरी जान? काश ये सच होता। सवेरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो राज उसने अपने सीने में छुपाया हुआ था। तभी पुलिस को यकीन हो गया कि कहानी कुछ और है, वो नहीं जो सुनाई गई है। डकैती की इस वारदात के पीछे यकीनन कहानी कुछ और ही है। तभी सज्जल, जमशेद और सवेरा ने जो भी बातें पुलिस से की, पुलिस को उन पर शक गुजरा। लेकिन पुलिस तो तहकीक कर रही थी, सबूत ढूंढ रही थी। सर, क्या खबर है? सर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। क्या? ये देखिए सर, जमशेद के घर से थोड़ी दूर एक मस्जिद के कैमरे की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें जमशेद के घर का दरवाजा कैप्चर हो रहा है। गुड, फॉरवर्ड करो। ये देखिए सर,
जमशेद के जाने के बाद सवेरा घर के दरवाजे पर खड़ी है और एक आमल बाबा आता है। ये शायद कुछ खाने को मांग रहा है। यही लग रहा है कि दोनों की किसी बात पर तकरार हो रही है। कुछ ऐसा ही है सर, लेकिन ये देखें सर कि सवेरा कुछ देर के बाद उस आमल बाबा को घर के अंदर ले जाती है और तकरीबन वो 1.5 घंटे के बाद घर से बाहर आता है। और ज्वेलरी बक्स उसके थैले में लग रहे हैं सर। अच्छा, इसके अलावा कोई और आया है? नहीं सर, मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज देखी है, कोई और नहीं आया। लेकिन तकरीबन 2.5 घंटे के बाद जमशेद खुद घर आता है और सर ये वही वक्त है जब हमें इत्तला दी गई। और ये देखे सर कि जमशेद खुद घर के दरवाजे का लॉक डोर सब पता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सवेरा ने आमल बाबा को डाकू क्यों कहा? सर ये सब कुछ तो सवेरा ही बता सकती है। सवेरा का पता करवाओ। जी सर। सवेरा ने उस मशकूक शख्स को घर के अंदर खुद घुसाया तो आखिर उसने पुलिस से झूठ क्यों बोला? जहां शौहर अपनी बीवी से छुपा रहा था एक राज, वहीं पसे पर्दा बीवी भी खेल रही थी एक खेल। कौन निकला इस भयानक वारदात का जिम्मेदार? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखिए जमशेद साहब, हमने आपको बताया भी था कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका शायद आपको अंदाजा नहीं। कौन सी बात सर? सज्जल ने आपसे झूठ बोला था कि वो समन गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उसको वहीं ड्रॉप किया है। गौर कीजिए, आपने हमें खुद बताया था कि आपने उसे हॉस्टल के गेट से थोड़ा पहले उतारा था। बस मुझे यहीं पर उतार दें प्लीज। क्यों, हॉस्टल के सामने क्यों ना उतारूं? एक्चुअली हॉस्टल के सामने अगर आप उतारेंगे तो लड़कियां 100 बातें करेंगी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, कौन था, ठीक है, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। हमारी टीम चेक कर चुकी थी, वो उस हॉस्टल में नहीं रहती थी। उस रात भी उसने आपके साथ खेल खेला था। ये देखें, हॉस्टल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, ये तब की सीसीटीवी फुटेज है जब आपने उसे ड्रॉप किया तो वो हॉस्टल नहीं गई। बिल्कुल ये देखिए, आप चले गए तो वो इस गाड़ी के करीब आई, इस गाड़ी से एक शख्स झूठ बोला? नहीं, बाय प्रोफेशन वो एक ब्यूटिशियन है, अपना सैलून रन कर रही है वो। लेकिन हमारे नज़दीक वो सिर्फ सैलून नहीं चला रही। जमशेद साहब, आपको शायद अंदाज़ा नहीं, आपकी जान खतरे में थी। क्या? ये रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज देखिए, जहां से आपने उस रात सज्जल के साथ खाना खाया। आपको क्या लगता है कि सज्जल अकेली थी? ये एक मेज छोड़कर देखिए, ये वही शख्स है ना जो सज्जल के साथ गाड़ी में था। ये मुसलसल आप दोनों पर नजर रखे हुए है। मेरे साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है और वो ऐसा करेगी भी क्यों सर? इंसानी दिमाग भी कितना कुछ सोचता है, लेकिन जो सोचना चाहिए वही नहीं सोचता, जो करना चाहिए वही नहीं करता। जहां एतबार करना चाहिए वहां शक करता है, और जहां शक करना चाहिए वहां अंधा एतबार कर लेता है। जमशेद के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। वो जानता ही नहीं था कि उसकी आंखों में किस तरह से धूल झोंकी गई, लेकिन अभी अभी तो बहुत सारे हकायक से पर्दे हटना बाकी थे। शहजादी, उस स्केच आर्टिस्ट को दोबारा बुलाओ। जी।
उसे बोलो कि इस स्केच से दाढ़ी हटाकर देखे, मुझे लगता है कि ये वही शख्स है जो उस रोज सज्जल के साथ था। Yes. हेलो, ओके, ठीक है, उसे बोलो उस पर नजर रखे, वो वहां से हिल ना पाए। क्या हुआ? सर, सज्जल का मोबाइल ट्रैकिंग पे था, उसके असल घर की लोकेशन का अंदाजा हमारी टीम को पहले से ही हो गया था, ताहम हमारा एक अहलकार उसके ताकुब में भी था। सज्जल और वो आदमी उसी घर में हैं और हमारा एक अहलकार उसी घर के बाहर है। सर, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारी टीम के हाथ लगी है। तो फिर देर किस बात की? हरी अप। मज़ा आ गया था। क्राइम पार्टनर, तुमने मज़े भी तो खूब लूटे हैं। कहती थी तुम मेरा घर बचा ली, तुम मेरा शोहर बचा ली, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। अब बैठी रो रही होगी, मेरा तो सब कुछ लूट गया। उसका शोहर भी शक्ल से बहुत शरीफ लगता था, लेकिन था पूरा ठरकी। यार तुमने उसे घुमाया भी तो बहुत है ना। वो बेचारा मरता क्या ना करता। गौर, गौर, मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाऊं, सब मैं संभाल लूंगी, जल्दी जल्दी। घर में रखे उस नौजवान से आखिर सज्जल का क्या रिश्ता था? आखिर पुलिस के पहुंचने पर सज्जल ने उसे क्यों कर दिया वहां से फरार? क्या उन दोनों को वहां पर एक साथ पकड़े जाना कर सकता था किसी राज को फाश, या इस डकैती और ज्यादती की वारदात के पीछे था इन दोनों का हाथ? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ये दोनों, ये तो भागने ही वाला था, बड़ी मुश्किल से हाथ आया। सर ये देखें, स्केच आर्टिस्ट ने एक नया स्केच दिया है। दाढ़ी हटाने के बाद कुछ ये शक्ल निकली है। वही है। मैं और इमरान इनकी मेहमान नवाजी करते हैं, जाइए। अगरचे ये केस मुद्दई पार्टी के मशकूक बयानात और मुलजमान की शातिराना चालों की वजह से काफी उलझ चुका था, लेकिन अब तमाम के तमाम हकायक से पर्दे उठने वाले थे। ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला था। देखो सवेरा, तुम्हें एटलीस्ट पुलिस से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बोलो बीबी, ये कौन है? फ्रेंड है मेरा। वो तो मैं देख ही चुका हूं कि कितना गहरा फ्रेंड है तुम्हारा। तुम तो जमशेद से भी प्यार करती हो ना? सवेरा का शोहर जमशेद। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, बट इट्स माय पर्सनल लाइफ सर। देखिए मोहतरमा, बहुत हो चुका आपका ही। आप कौन है और ये शख्स कौन है? सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद ही बनाया है आपका। मिस्टर, पहचानते इस शख्स को? ये वही शख्स है सवेरा के घर दाखिल हुआ था।
तुम भला इसे कैसे भूल सकते हो? और ये दूसरा, इसकी दाढ़ी उतारो तो यही शक्ल निकलती है। मिस सज्जल, पहचानती है इसे? कौन है ये? खामोश क्यों हो अब? बोलिए। ये शख्स तुम्हारे साथ बैठा तुम्हारा क्राइम पार्टनर है, बोलिए, जवाब दीजिए। चुप क्यों? वो देखें, हिम्मत करें और मुझे सच बताएं, आखिर क्या हुआ था उसे? उस दिन जब जमशेद जाने लगे तो मैं उनको देखने के लिए बाहर आई थी। मुझे लगा मैं भी उनके साथ वो लड़की है, लेकिन वो अकेला था और मैं परेशान होकर खड़ी थी कि अचानक अल्लाह के नाम पे दे दो बच्चा। क्या है? और कोई काम नहीं है, सुबह सुबह आगे दिमाग खराब करने के लिए। इतना गुस्सा करोगी तो अपने शौहर को नहीं बचा पाओगी बच्चा। वो तुमसे बहुत दूर जा रहा है। हम तो तेरी मदद को आए थे, तुम नहीं चाहती, तेरी मर्जी। बाबा जी प्लीज रुक जाए, प्लीज बाबा जी रुक जाए। बाबा जी आप तो अल्लाह वाले हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाई, प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरे साथ अंदर चलें। नहीं, तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है लड़की। तुम एक डेक रूह हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आए थे। लगता है तुम अपने शौहर को नहीं बचाना चाहती, नहीं बचाना चाहती। नहीं बाबा जी, मुझे माफ कर दें, मैं मिन्नत करती हूँ, प्लीज मेरे साथ अंदर चलें, प्लीज मुझे माफ कर दें। ठीक है, हमें हुक्म हुआ है कि हम तुम्हारी मदद करें, चलो हमें अंदर ले जाओ। आए बाबा जी आप सही कह रहे हैं, है निशान इस पे, फिर तो आपको कैसे पता चला? जी तो मिस्टर आमल बाबा, अब ये बताओ जरा, तुम्हें कैसे पता चला कि जमशेद की शर्ट को लिपस्टिक लगी हुई है? सर, सज्जल ने बताया था मुझे। और तुम्हें किसने बताया लड़की? मैंने खुद लगाई थी, पूरी प्लानिंग के साथ सब किया था, और जमशेद से पहला टकराना हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। जब वो लिपस्टिक वाली बात सच निकली तो मुझे लगा कि ये कोई बहुत बड़े आमिल बाबा है और ये कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती है। जल्दी जल्दी इस बाजू को शर्ट से अलग कर दो, वरना जादू बहुत बढ़ जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगी। इस हिस्से को, इस बाजू को शर्ट से अलग कर दो, जल्दी करो, नहीं तो जादू बढ़ जाएगा, भस्म हो जाओगी, तुम बर्बाद हो जाओगी। कहानी का जब मोड़ पर थी, जमशेद के सर पे सज्जल की मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, और इस जादू के तोड़ के लिए नाम निहाद बाबा जी सवेरा के घर में मौजूद थे। अब रात को टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू से लेकर शर्ट पर लगी लिपस्टिक के निशान तक, ये सारी कहानी बाबा की जबानी सुनने के बाद सवेरा का यकीन उन बाबा जी पर इस कदर पुख्ता हो गया कि वो उन्हें इनकार के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उस नाम निहाद बाबा ने किया कौन सी शर्मनाक ख्वाहिश का इजहार, घर को बचाने के लिए सवेरा ने किया कौन सी गलती का इर्तिकाब, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बाबा जी
अब तो ये लिपस्टिक वाला बाजू शर्ट से अलग हो गया है, अब तो काले जादू का असर खत्म हो जाएगा ना। नहीं, इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और आपका शौहर उस लड़की के जाल में पूरी तरह फंसा होगा। बाबा जी, जमशेद मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर मैं उनको बता दूं कि उस लड़की ने उन पर जादू किया है तो वो कभी उनसे बात नहीं करेंगे। पागल हो गई हो तुम? यही तो वो लड़की चाहती है कि तुम अपने शौहर से बात करो, और वो गुस्से में आए और गुस्से में आकर जादू के असरात और तेज हो जाएं और वो तुम्हें तलाक दे दे। क्या यही चाहती हो तुम? तुम्हें तलाक हो जाए और तुम्हारे शौहर की जिंदगी खतरे में पड़ जाए, क्या यही चाहती हो तुम? क्या तुम यही चाहती हो? नहीं बाबा जी, नहीं, मैं ये नहीं चाहती। प्लीज कुछ भी करें, मेरे शौहर को बचा लें। समीरा मेरा हर कहना माने जा रही थी, मैं उसे जो जो भी कह रहा था वो अपने शौहर को बचाने की खातिर वो सब कुछ करते जा रही थी। हाँ, एक हल है मेरे पास, है। तुम्हारे शौहर ने उस लड़की को जो दर्जा दे रखा है वो दर्जा तुम्हारा है। वो जितना उसके करीब होती जा रही है उतना जादू का असर बढ़ता जा रहा है। अब बस एक ही हल है उन दोनों को दूर करने का। वो क्या है बाबा जी, जल्दी बताइए मुझे क्या है वो? जिस तरह तुम्हारे शौहर ने उस लड़की को बीवी का दर्जा दिया हुआ है उस तरह बस थोड़ी। नहीं नहीं बाबा जी, ये क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे? अब कुछ नहीं हो सकता, उस काले जादू का बस एक ही तोड़ था, बस तुमने इनकार कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम बर्बाद हो जाओगी, तुम्हें इस बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। अब हम जा रहे हैं। बाबा जी, मैं हाजिर हूँ, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं करूंगी, बस मेरे घर को बचा लें। मेरे शौहर को बचा ले। अपने घर को बर्बादी से बचाने के लिए सवेरा ने किया एक गलत रास्ते का इंतखाब। उसकी अकल इस कदर माउफ हो गई थी कि वो अपने घर को बचाने की खातिर सही और गलत में मुआजना करना ही भूल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जाली पीर तो आया था एक प्लानिंग के साथ। मुबारक हो, जादू का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। सब आपकी मेहरबानी है। नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा तुम ऐसा करो, एक जग पानी का लेके गिलास भी ले आना, हम उस पे दम करेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत असर रहता है जादू का वो भी खत्म हो जाए। जाओ जाओ जाओ। अपने शौहर की कोई कमीज, अपना दुपट्टा और कुछ जेवर या नकदी पैसे हैं तो वो ले आओ, मैं उस पे दम करूंगा और जो रहता है सर वो भी जादू का खत्म हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ, लेके आओ। किस कदर घटिया इंसान हो तुम, एक लड़की होकर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जमशेद के घर से निकलने के बाद तुमने अपने क्राइम पार्टनर के साथ रابطہ नहीं किया। क्यों? ये सब हमारी प्लानिंग का हिस्सा था, हम कॉल कॉर्ड मेंटेन करके कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। ये हम दोनों की प्लानिंग थी कि ये सजल जमशेद को 3-4 घंटे बिजी रखेगी और मैं 2 घंटे में अपना काम निपटा के वापस घर पहुंचूंगी। काश तुम दोनों अपने इस टैलेंट और प्लानिंग को किसी अच्छी जगह यूज़ करते हैं। खैर, सवेरा और जमशेद को बुलाओ और उसके बाद इनकी अच्छे से खातर ताजे कराओ। सज्जल और गौहर जैसे क्राइम पार्टनर्स किसी भी शहर में कहीं भी निकल सकते हैं और ये इतनी खूबसूरती से जाल फैलाते हैं कि इनका शिकार होने वाला खुद जलकर इनके जाल में फंस जाता है। लेकिन याद रहे कि इन्हें जाल डालने का मौका तभी मिलता है जब हम अपने ट्रैक से
उतर जाते हैं। सूरतेहाल को इस हद तक बिगड़ने से बचाया जा सकता था अगर दोनों मियां बीवी होशमंदी से काम लेते। याद रखिए कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि शौहर अपनी मोहब्बत करने वाली बीवी को चीट करे और उसे खबर ही ना हो। लेकिन अगला अलमिया तो ये है कि शौहर जब अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकत करता है और उसकी ये बातें उसके सामने आती हैं, तो जिस दुख और सदमे से वो दो चार होती है, उससे निकलने के लिए जो हरबे वो आजमाती है, वो उसे इस दलदल से निकालने की बजाय मजीद तबाही और बर्बादी की गहरी खाइयों में फेंक देते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के घरों को आबाद रखे और इन हौलनाक हकीकतों से महफूज रखे। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देने ना भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।